बरेली की किला थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे गिरोह के 8 शातिर अपराधियों को पकड़ा है जो सफर करने वाले यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे और उनके पास रखे पैसे, जेवर या अन्य सामान को उड़ा देते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए 8 अपराधियों में से 6 रामपुर के हमीमाबाद गांव के रहने वाले हैं, जबकि एक अपराधी रामपुर के समौदिया का रहने वाला है। वहीं एक अपराधी मुरादाबाद के गनी नगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को किला पुलिस दूल्हे मियां की मजार के पास चेकिंग कर रही थी, उसी बीच एक महिला दौड़ती हुई आई और उसने कहा कि जिस मैजिक सवारी से वह आई है उसमें किसी ने उसके बैग से उसका पर्स निकाल लिया है। उसने अपने पड़ोस में बैठे 2 लोगों पर शक जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ की तो उन्होंने अपने अपराध को कबूल कर लिया, साथ ही अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद सभी को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक यह शातिर अपराधी यात्री बनकर सफर करते थे, साथ ही यह भी भांप लेते थे कि किसी यात्री के पास रकम या माल है, उसी को ये अपना टारगेट बनाते थे, जिसके बाद उसकी जेब काटने या फिर बैग काटने के बाद उसमें से नकदी या जेवर निकाल लेते थे। इनके पास से पुलिस को करीब 2 लाख रुपए के जेवर भी मिले हैं। यह अपराधी इतने शातिर हैं कि घटना को अंजाम देने के बाद यह वापस अपने गांव चले जाते थे, इसलिए इनको पकड़ना मुश्किल हो रहा था। इन सभी अपराधियों पर पहले से ही कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल किला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने और पूछताछ के बाद गैंग के सभी 8 सदस्यों को जेल भेज दिया है। थाना किला की फोर्स चौकी सराय के पास में जो दूल्हे मियां की मजार है वहां पे चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक महिला आई और पुलिस को बताई कि मैं जो जिस मैजिक से आ रही थी उस मैजिक में जो हमारे बैग से पर्स निकाल लीजिए। उस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई और महिला के द्वारा जो 2 व्यक्ति थे उन पर शक जाहिर किया गया। उस दोनों व्यक्ति को पुलिस अपने हिरासत में ली और हिरासत में लेने के बाद में जब उससे पूछताछ की गई और उसकी जब चेकिंग की गई, तलाशी ली गई, तो उस व्यक्ति के पास से जो महिला के जो सामान थे पर्स में वो बरामद हुआ, जिसमें से चेन थे, कुंडल थे, अंगूठी थी और 310 रुपये कैश तो बरामद हुआ। और उसके बाद में जब 2 व्यक्ति जो हमारे हिरासत में लिए गए थे उनसे विशेष पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग जो है रामपुर और मुरादाबाद के रहने वाले हैं और हम लोग जो इसी तरीके से जो है सवारी के तौर पर हम लोग बस में या किसी भी ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं और लोगों के जो है पर्स और पॉकेट काट कर इस तरीके की घटना को हम लोग अंजाम देते हैं। सर, अभी तक की पूछताछ भी आपने के सामने किस तरह की घटना को अंजाम दिया करते हैं? ये लोग जो है मूल रूप से रामपुर और मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये जैसे कोई अगर बस मुरादाबाद से चल रही है, रामपुर से चल रही है, उस बस में बैठ जाते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ जाते थे या किसी 3-व्हीलर 4-व्हीलर में बैठ जाते थे, एज ए पैसेंजर के तौर पर अपने को पैसेंजर को वॉच करते रहते थे और उसके जो है पर्स जो है काट लेते थे, पॉकेट काट लेते थे या पर्स अपनी हाथ की सफाई से बैग से पर्स निकाल लेते थे और इस तरीके की वो घटना को अंजाम देते थे। उसमें से जो एक जो अभियुक्त है जो पकड़ा गया है जो साथ उसके पास से एक जो है 312 बोर्ड का समाचार मैं 2 दिन तक करतूत बरामद हुआ है और इनके पास से जो है इलेक्ट्रॉनिक जो कांटे होते तराजू होते हैं जिसे ज्वेलरी को तौला जाता है वो भी बरामद हुआ है, कैंची बरामद हुई है, ब्लेड बरामद हुई है जिसका प्रयोग ये घटना को अंजाम देने में करते हैं।